What a time to buy smartphones. Oh my god, दोस्तों इतने सारे अच्छे फोन्स 20 से 25 हजार के प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहे हैं और एक जबरदस्त फोन आ गया है दोस्तों, and this is Infinix Zero 30. एक बात कहूं, अगर इसका हार्डवेयर आप देखोगे, इसका अगर आप सॉफ्टवेयर देखोगे, इसके फीचर्स देखोगे, मैंने जब पहली बार सुना मैंने कहा ये भी है वो भी है, आई मीन व्हाट इज दिस, एंड एवरीथिंग एट 21999. ओह माय गॉड, ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक आप जब देखोगे ना आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसे बात कर रहा हूं. मतलब हर एक चीज में, आपको पता है कि इन्फिनिक्स के जो फोन्स होते हैं कभी-कभी यू नो सॉफ्टवेयर में कम होते हैं, कभी-कभी हार्डवेयर में कम होते हैं, बट दिस वन हैज एवरीथिंग, पता चल जाएगा. वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों वो जरूर कर दीजिएगा, ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, एंड शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें यू नो 20,000 के बजट में कोई फोन, नया फोन बाय करना है. एज सून एज यू टेक इट इन द हैंड ऐसे लगता है कि वाओ प्रीमियम. वैसे बॉक्स पैकेजिंग वगैरह ये भी थोड़ी प्रीमियम लगती है, सो दैट इज नाइस. बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें, जनरली इन्फिनिक्स के फोन में बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती है, इन्फिनिक्स 30 के बॉक्स में डिफरेंट कोई कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं. जी हाँ, केस है ये, यू कैन लुक एट द मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल बड़ा है, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, लुक एट दिस, जी हाँ स्क्रैच गार्ड भी दिया हुआ है. ये कर्व्ड स्क्रीन का फोन है, 3D कर्व्ड स्क्रीन है और उसके लिए भी दिया हुआ है, सो दिस इज यू नो काइंड ऑफ सॉफ्ट, तो स्क्रैच गार्ड भी है. 68 वॉट का चार्जर आता है, जी हाँ बिग ब्रिक, सो दैट इज देयर, एंड देन यू हैव USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल. या दैट्स अबाउट इट. चलिए ये सब चीजें रखते हैं साइड में, लेट्स लुक एट द फोन 030. एक तो पतला है, पिछले कुछ दिनों में इतने सारे पतले फोन्स लॉन्च हुए हैं, एंड दिस इज अनदर एडिशन, लुक एट दिस. And finish again vegan leather. In fact, इसमें दो कलर आते हैं, ये जो है ग्रीन कलर का ये वेगन लेदर में आता है, और एक कलर है दोस्तों गोल्डन आर जिसका नाम है, वो बेसिकली ग्लास बैग के साथ है. This is vegan leather. And look at this. Look at the curved. It looks premium. बड़ा फोन है दोस्तों, and looks very very different. ये देखिए, especially camera module आप देखोगे, you know, industrial लगता है, industrial design जिसे कहते हैं, वैसे लगता है. In hand feel भी बहुत अच्छा है. Slightly slippery लगता है, but you know, very nice. In hand feel जो है, इसका जो balance भी है, weight balance बहुत अच्छा है. बड़ा फोन है, लेकिन weight के मामले में, I will say 180 grams कहता हूँ. I can go wrong, but 183 grams. 183 grams. Oh, बीच में बहुत गलत हो रहा था मेरा वेट गेस करना, बट नाउ आई एम ऑन ट्रैक पिछले दो तीन अनबॉक्सिंग से. जी हाँ, आई एम गेटिंग इट राइट. सो 182-183 grams. इट्स neither टू लाइट neither टू हैवी. Right in the middle. And interestingly, it is one of the slimmest phones. फिर भी 5000 mAh की बैटरी है, फिर भी इसकी कुछ 7.9 mm thin है ये. So again, excellent. And with that curved, 3D curved glass. Ports and buttons के बारे में बात करूँ तो नीचे की तरफ SIM card tray, microphone, USB Type C, speaker grill, right hand side में power on off and ऊपर volume rocker है. ऊपर की तरफ speaker grill आता है. And you also have a noise cancelling microphone. Left hand side में कुछ नहीं है. So yes, stereo speakers हैं. Excellent. अगर मैं SIM card tray के बारे में बात करूँ, I think will not have a dedicated, क्योंकि इसका जो base variant है वही 256 GB के साथ आता है, so dual nano SIM card slot आता है, SD card slot नहीं है. बाहर से तो देख लिया फोन, नहीं गिराना बाकी है, should we drop it? Gorilla Glass 5 का protection भी आता है इसके अंदर, wow. I mean in 21999 ये effective net effective जो offers के साथ है वो price है, but you are getting Gorilla Glass 5, so yeah, let's drop it. 1, 2, and 3. Nothing. पीछे वेगन लेदर है, so should not be a problem. 1, 2, and 3. Oh my God. Okay. So yeah, all good. बाहर से देख लिया, अंदर से देख लेते हैं. बड़ा डिस्प्ले आता है दोस्तों, 6.78 इंच का 3D curved डिस्प्ले आता है. ये AMOLED डिस्प्ले है, 144 Hz fast refresh rate है, 950 nits brightness है. This is a and bezels देखिए, non-existent. साइड के तो है ही, बिकॉज देर आर नो बेजल्स ऑन द साइड बिकॉज 3D कर्व्ड है, बट नीचे भी देखिए और ऊपर भी देखिए. दिस डज नॉट डेफिनेटली लुक लाइक अ मिड रेंज फोन. अब देखिए आगे से, आप देखोगे आप कहोगे यार ये 30,000-40,000 का फोन लग रहा है. इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि यू नो इट इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू बाय स्मार्टफोन, क्योंकि प्राइजेस आर रियली कमिंग डाउन एंड स्पेक वाइज दे आर वेरी वेरी रिच. जैसे मैंने कहा डिस्प्ले जबरदस्त है. अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, इसमें डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर आता है दोस्तों. ये 6 nm बेस्ड प्रोसेसर है और इसका जो अंतुदु स्कोर है 7 lakhs के ऊपर आता है, 7 lakh 10,000, which is very very respectable in this price range. और इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, 8 GB RAM, 256 GB स्टोरेज, और उसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 12 GB RAM, 256 GB स्टोरेज, LPDDR4X RAM टाइप है, लेकिन UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो रीड राइट स्पीड अच्छे हैं, यू नो यू कैन, बहुत ही स्नैपी लगता है, दैट्स फॉर श्योर. और दोस्तों अगर आपने 12 GB का वेरिएंट लिया तो 9 GB वर्चुअल रैम भी आती है, तो 21 GB ऑफ रैम. ओ माय गॉड, आई मीन क्या क्या मिल रहा है आपको. वैसे 5000 mAh की बैटरी भी है एंड 68 वॉट फास्ट चार्जिंग भी आता है. मतलब
यू नो चार्ज को लगा दीजिए, कम होगी बैटरी, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 to 50% इन अबाउट 20 to 23 मिनट्स हो जाता है. सो फास्ट चार्जिंग इज ऑल्सो देयर, सो वेरी गुड देयर. और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, वाओ, आई मीन हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप हैवी गेम्स जो है वो खेल पाओगे COD मोबाइल, या फिर आपने अगर पबजी वगैरह, पबजी न्यू स्टेट तो 90 FPS पे खेल पाओगे, COD मोबाइल BGMI जो है वो 60 FPS पे आपको गेम प्ले मिलता है, एंड यस HDR वगैरह है इसके अंदर. सो वाओ, इवन OS वो भी, उसके बारे में बात करना है, नो थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी ऐप्स है, इन्फिनिक्स के खुद के ऐप्स है, बट थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर वगैरह जो है वो नहीं है इसके अंदर, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग. और अपडेट्स के मामले में भी एंड्रॉइड 14 मिलेगा एंड 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट, सो 1+2. और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं दोस्तों इसके अंदर. जी हाँ, एक तो गूगल डायलर नहीं है, उनका खुद का डायलर है, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, 1 टच कॉल रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे. सो बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में पूछते हैं, तो वो है पीक प्रूफ डिस्प्ले, मतलब यू नो अगर साइड से कोई देख रहा है तो देर इज नो पीकिंग अलाउड, सो दैट इज देयर. किड्स मोड वगैरह है, तो सम इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑल्सो आर देयर. दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले तो अच्छा है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट, स्टीरियो स्पीकर्स है, हाई रेस ऑडियो को सपोर्ट करता है, क्वालिटी ठीक ठाक है, बट लाउडनेस के मामले में इट्स देयर. सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ओवरऑल जो है दोस्तों बहुत अच्छा होगा. वैसे डिस्प्ले HDR है, यूट्यूब पे आप HDR वीडियोस वगैरह देख पाओगे, बट नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है अभी तक, वाइडवाइन L1 वगैरह, तो HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे. ओवरऑल मल्टीमीडिया के लिए दिस इज अ ग्रेट फोन. दो तीन चीजें और मुझे डिस्प्ले के बारे में बात करनी है. एक तो 2160Hz का PWM डिमिंग आता है इसके अंदर, सो दैट इज देयर. और हाँ, ये 10-bit डिस्प्ले है, मैं बताना भूल गया, 10-bit डिस्प्ले है. कैमरा अगेन दोस्तों इन्फिनिक्स का फोन है, मिड रेंज का 20-22 हज़ार रुपीज का फोन है, तो उस हिसाब से मैं इसके कैमरा के पास देख रहा था एंड इट सरपास माय एक्सपेक्टेशन. अगेन मैं बहुत सारे वीडियोस में ये कह रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन लो हो गए थे पिछले कुछ महीनों से, बट नाउ अगेन वी आर गेटिंग सम गुड फोन्स. इसका जो कैमरा है वेरी वेरी गुड. प्राइमरी सेंसर सैमसंग का HM6 108 MP का सेंसर है विथ OIS सपोर्ट, 13 MP का अल्ट्रा वाइड है, एंड देन यू हैव 2 MP डेप्थ का जो है वो है, सो ट्रिपल कैमरा सेटअप है. आगे दोस्तों सेल्फी में आपको सैमसंग का ही JN1 सेंसर मिलता है, वो भी 50 MP का ऑटो फोकस सेंसर है. आई मीन एंड सीरियसली, सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, आप फोटो देखिए ओरिजिनल क्वालिटी में, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स निकाले हुए, फोटोज निकाले हुए, लैंडस्केप निकाले हुए, जरूर जाके देखिएगा. आई एम टेलिंग यू, आई वाज एक्चुअली इंप्रेस्ड विद द कैमरा. जो कलर टोन्स वगैरह आते हैं, जो स्किन टोन्स आते हैं, कलर्स वगैरह जो है, शार्पनेस है, वेरी गुड. अगेन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो डेफिनेटली इट इज मच बेटर, एंड OIS होने की वजह से लो लाइट फोटोज भी अच्छे आते हैं. पर उतना ही नहीं, वीडियोग्राफी में इस सेगमेंट में कोई भी नहीं देता है. फ्रंट एंड बैक 4K 60 FPS वीडियोस आप शूट कर पाओगे. I mean what do you want? Again, जैसे मैंने कहा इस वीडियो के स्टार्ट में, I mean this phone has got literally everything. और 108 MP होने की वजह से आपको 3x lossless zoom मिलता है, तो essentially वो zoom करके crop करता है अगर आपको फोटो निकालना है. But yes, you can have 3x zoom as well. Interestingly दोस्तों, even जो ultra wide है 13 MP का, वो भी आपको 4K 30 FPS देता है, तो you can shoot ultra wide videos at 4K. और फीचर्स के मामले में सब स्टैंडर्ड फीचर्स, टाइम लैप, स्लो मोशन, 240 FPS स्लो मोशन मोड है, प्रो मोड वगैरह वो सब आता है, पोर्ट्रेट मोड है, फिल्टर्स वगैरह, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. तो दोस्तों बहुत बार सवाल होते हैं, स्पेशली जो व्लॉगिंग बहुत ज्यादा करते हैं, फ्रंट कैमरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इस प्राइस रेंज में व्लॉगिंग के लिए अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दिस. सेंसर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अगेन ऑल सेंसर्स आर देयर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, ऑल गुड देयर. कनेक्टिविटी के मामले में सब कुछ है दोस्तों, 14 5G बैंड्स का सपोर्ट है, that is there. Wi-Fi 6 आता है इसके अंदर, Bluetooth 5.2 है, heck there is also NFC का भी सपोर्ट आता है, मतलब कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी सब कुछ है दोस्तों. बेसिकली 30-35-40 हज़ार के फोन में जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं, ये आपको 20-22 हज़ार के फोन में मिल रहे हैं, सो वेरी गुड. अगर छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, IP53 का सर्टिफिकेशन भी आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, लेकिन हाँ सेल्फी में डुअल LEDs है, मतलब अगर अंधेरे में आप पोर्ट्रेट निकाल रहे हो तो उसका आपको फायदा होगा, सो दैट इज देयर. FM रेडियो आता है, SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स, और हाँ ये वेगन लेदर है, और दूसरा जो है, दूसरा कलर वेरियंट है, वो ग्लास में आता है, ग्लास बैक. आई मीन इन्फिनिक्स has packed everything, सब कुछ पैक कर दिया है इस फोन के अंदर. सोचिए आपको वर्चुअल रैम के साथ 21 GB, अगर 12 GB का वेरिएंट लोगे तो 21 GB रैम मिलती है. ये भी है कि उसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है, जो अब जब हमारे पास फोन आया इमीडिएटली मैं ये वीडियो कर रहा हूँ. सो ओवरऑल अगर मैं प्राइस, उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखूँ, माई फर्स्ट इंप्रेशन आर रियली रियली गुड. इस प्राइस रेंज में स्पेशली बहुत सारे फोन लॉन्च हुए हैं दोस्तों, और ऐसी कॉम्पिटिशन है, हर एक फोन एक से एक बढ़कर है. तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 25,000, उसमें डेफिनेटली ये टॉप 5 में होने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर. वैसे कैसे लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए दोस्तों. इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.